हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम घिया का रायता बनाएंगे। ये पेट के लिए काफ़ी ठंडा रहता है, इसलिए आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। मैंने घिया को धोकर छील लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे कुकर में डाल देंगे और एक गिलास पानी डालकर उबाल लेंगे। हमारी घिया कच्ची है और 2 सीटी में ये अच्छे से उबल जाएगी। अगर घिया के बीज पके हों तो आप उन्हें निकाल दें। घिया अच्छे से पक गई है, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक घिया ठंडी होगी तब तक हम एक प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे और लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। अब तक हमारी घिया भी ठंडी हो चुकी है, हल्के हाथों से इसे दबाकर एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब इसे हाथों से या मैशर से मैश कर लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस रख लें। एक बोल में दही लेंगे और फेंट कर एक सार कर लेंगे। अब इसमें उबली हुई घिया, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट बनाते वक्त उसमें आधा टीस्पून सफ़ेद नमक भी मिला लिया था। सारी चीज़ें दही में डालकर अच्छे से मिक्स होने तक मिलाएंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून काला नमक डालकर मिला लेंगे। रायता तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, वैसे इस रायते में जीरे का तड़का बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हम एक छोटी कटोरी लेंगे और उसमें आधा टीस्पून घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जब जीरा काला पड़ने लगे तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे और इस कटोरी को फटाफट रायते में डाल देंगे। आपको ये जो स्मोक नज़र आ रहा है, इससे रायते में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे थोड़ी देर ढक कर रखेंगे। रायता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।